खबर जनपद मऊ के हल्दरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चक्रा के शहीद गणेश यादव पुत्र विश्वनाथ यादव का पार्थिव शरीर ज्यों ही ग्राम में पहुंचा लगा मानो भूचाल आ गया हो। शहीद के अंतिम दर्शन हेतु जनसैलाब सा उमड़ पड़ा। भारत माता की जय, शहीद गणेश यादव अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। शहीद गणेश यादव लेह में तैनात थे। ग्रामवासियों को जैसे ही गणेश यादव के शहीद होने की सूचना मिली, गांव सहित पूरे क्षेत्र और जिले में शोक की लहर व्याप्त हो गई। आज शनिवार को उनका पार्थिव शरीर जब उनके जन्म स्थान गांव चक्रा पहुंचा, तो गांव एवं दूरदराज से आई जनता का हुजूम उनके दरवाजे पर उमड़ पड़ा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, जिलाधिकारी अमित कुमार बंसल, पुलिस और पुलिस अधीक्षक सुशील चंद्रभान घुले, उप जिलाधिकारी निरंकार सिंह, सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय आदि गणमान्य लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पार्थिव शरीर के साथ आए सेना के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहीद गणेश यादव के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया। क्षेत्र की एक सड़क का नाम भी शहीद गणेश यादव के नाम पर करने की घोषणा की गई। मऊ जनपद से दीपक सिंह, सचिव की रिपोर्ट। नाम का गांव का नाम गौरवान्वित किया है, क्या कहेंगे आप इसको? मुझे जो है इतना डर है, मेरे बच्चे ने जो हंसते थे अपने प्राण की निशार कर दिया। मुझे खुशी है, सभी लोगों को यही देते हैं कि मरो तो देश के लिए मारो, मरो तो देश के लिए मारो, देश के लिए मारो। ये जज्बा आप सभी नौजवानों को संदेश देंगे? हाँ जी, यही है ना संदेश है, आज जो है मरो तो देश के लिए। आज आपके बच्चे के उनका शहीद हुआ है, पूरे गांव में आपके कहां कहां से लोग, आज एक हुजूम आया हुआ है बच्चे को देखने के लिए, आप क्या संदेश देंगे? आपको संदेश देंगे भाई, हमें जो है घर आए लड़के के मरने पर जो है सभी लोग आए और जो है अपनी अपनी जो है ठीक जी। हवलदार गणेश यादव, उनके हमारी सहानुभूति उनके परिवार के साथ, उनके घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को। क्यों छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, हैं क्या मांग करेंगे सरकार से कि जिनके परिवार की? निश्चित तौर पे प्रयास करके सरकार से मांग करके उन बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कराया जाएगा, यही हमारी गणेश यादव के प्रति सचिव। उनकी पत्नी की मांग है कि एक पेट्रोल पंप दिया जाए, जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको सैनिक स्कूल में भर्ती कराया जाए। उनकी पत्नी का मांग है और वाजिब मांग है, हमारा निश्चित तौर पर प्रयास होगा कि हम लोग उनको पेट्रोल पंप दिलवाने का सरकार से। थैंक यू सर। श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहना है? और जनपद मऊ के तहसील से लड़के गांव चक्रा के निवासी शहीद गणेश यादव सेना में थे, वहाँ पे ड्यूटी के दौरान हुद्दा में उनकी मृत्यु हो गई। आज उनको यहाँ पे उनके पैतृक गांव में श्रद्धांजलि दी गई है, फौज की तरफ से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से परिवार को अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान करने का प्रमाण पत्र दिया है। सर का फोटो उनके खड़े।